किचन। आज मैं आप लोग के साथ चीज़ कॉर्न सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं इसे दो टाइप से बनाना बताऊँगी, एक ग्रिलर पे और एक तवे पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चीज़ कॉर्न सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ बोल कटी हुई प्याज, हाफ बोल कटी हुई शिमला मिर्च, हाफ बोल फ्रोजन कॉर्न जिन्हें मैंने दो मिनट के लिए बॉईल कर लिया है, एक बोल ग्रेटेड चीज़, 2 टेबलस्पून मेयोनीज, 2 टेबलस्पून बटर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ब्रेड स्लाइस लिया है मैंने 8 पीस, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। एंड धनिया पत्ती थोड़ी सी लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब हम फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ हम ऊपर से स्प्रेड करेंगे। सॉल्ट 1/2 ही चम्मच लेंगे क्योंकि मेयोनीज में भी सॉल्ट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एंड बटर को इसमें लगा लेंगे। बटर कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं कम ही लगाऊंगी। फिर बटर स्प्रेड कर लिया है, अब इस पे हम फिलिंग डालेंगे। फिलिंग को हम अच्छी तरह से फैला देंगे। मैंने फिलिंग लगा लिया है ब्रेड के ऊपर, अब इसके ऊपर हम चीज़ लगाएंगे। देखिए मैंने चीज़ ऊपर से रख दिया है अच्छी तरह से, अब इसके ऊपर हम ये ब्रेड के स्लाइस लगा देंगे। अब हम इसे ग्रिल करेंगे। ग्रिल करने के लिए मैंने ग्रिलर को प्रीहीट कर लिया है, अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम बटर लगा देंगे। एंड 2 पीस हम इसके ऊपर ब्रेड रख देंगे हमारे सैंडविच, और ऊपर से भी हम इसके ऊपर भी हम बटर लगा देंगे। एंड इसको ब्रेड में आपको तवे पे भी 1-2 ब्रेड सेक के दिखा देती हूँ। तवा रख दिया है मैंने गैस पे, इस पर हम बटर लगा देंगे। बटर गर्म होने के बाद हम इस पर चुके हैं हमारे, अब इसे हम पलट के देख लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। इससे हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे ताकि हमारा ब्रेड जले। सेकते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारा चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। हमने जो ग्रिलर में ब्रेड रखा था ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। इसे मैंने बंद कर दिया है, ये बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में रखते हैं। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। इसे पकाते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। एक बार अंदर चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, अब इसे हम बंद कर देंगे। एंड इसे भी हम चॉपिंग बोर्ड पे रख लेंगे और कट करके सर्व कर देंगे। अब इसे हम सर्व करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारी चीज़ कॉर्न सैंडविच बनके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी चीज़ी एंड क्रिस्पी बनी है। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी चीज़ कॉर्न सैंडविच की रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब के लिए बाय, टेक केयर।